सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दराध्याम ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये चाय बना रहे हैं और हंस भी रहे हैं क्योंकि इन्होंने किया पूरी रात काम, और काम किया भी और साथ साथ में मुझे भी उठा लिया कि चलो ठीक है, भूख लग रही है, कुछ खाते हैं खाते हैं। खुद तो सोए नहीं, मुझे भी नहीं सोने दिया। और तो गाइस, अभी हो रहा है सुबह का 5:41, तो इनकी बन रही है चाय। मेरे को भूख लगती है तो मैं बहुत आलस कर जाती हूँ ना। तो गाइस, चाय हो गई थी रेडी, तो हम लोग चाय पीने लगे। और मैं नाश्ते में लेकर आई हूँ नमकीन और बिस्किट। नमकीन है मूंग की दाल की, क्योंकि एसिड नहीं बनाती है, और पतंजलि के दूध मलाई वाले बिस्किट हैं, तो उसके साथ में हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और इनको कैमरे के सामने आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे हाल में, जो कि पूरे नाइट ये जगते हैं, काम करते हैं, तो फिर नहीं अच्छा लगता है इन्हें कैमरे के सामने ऐसे आना। मुझे भी उठा लिया, मेरी मेड भी आती होगी थोड़ी बहुत देर में, हाथ बोल के गई थी जल्दी आ जाऊंगी। तो गाइस, अभी पूरा दिन हम लोग, जब नींद हमारी डिस्टर्ब हो गई थी, तो हमने आराम से खाना वाना बना के खा के किया था रेस्ट, और उसके बाद में हमने उठने के बाद में फिर बनाई चाय, और चाय पी के तीनों लोग, आराध्य को स्कूल भेज दिया था सुबह मैंने, आराध्य स्कूल से आके उसे भी सुला दिया था, उसके बाद उठ के ये वापस अपने काम पर चले गए और मैं भी अपना काम करने लगी। आराध्य को कराया होमवर्क, आज मैंने इन्हें ऑफिस नहीं जाने दिया था क्योंकि ये पूरी रात जगे थे, जगकर इन्होंने घर पे काम किया था, तो मैंने कहा आज डे में ऑफिस आप नहीं जाएंगे, तो ये अपना काम जो है घर पे रेस्ट किया, उसके बाद मैं अपना किया काम। आराध्य को मैंने बिठा दिया होमवर्क पे, अब मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए शाम का, क्योंकि आज दिन में भी बहुत हम लोगों ने पराठे ही खाए थे, खाना सब्जी मैंने कुछ नहीं बनाई थी। तो आराध्य को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर ये मुझसे बोल रहा है कि आप ब्लॉगिंग क्यों कर रही हो, आप खाना क्यों नहीं बना रही हो, इसे इतनी टेंशन रहती है क्योंकि ये चाहता है ब्लॉगिंग करे ये, जबकि अभी इसे ठीक से फ़ोन पकड़ना नहीं आता गाइस, बट चाहता ये यही है कि ये ब्लॉगिंग करे। तो गाइस, मैं निकल गई हूँ आराध्य की दवाई लेने के लिए, इसको हो रहा था थोड़ा सा कोल्ड और खांसी भी वैसी वाली कफ वाली जो अभी लास्ट टाइम उसको हो गई चुकी थी, उसको सही हुए अभी एक हफ्ता नहीं हुआ था वापस से, फिर ये बीमार पड़ गया क्योंकि इसने फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट एकदम ठंडी ठंडी सोकर उठा और वो खा ली, तो उसकी वजह से इसको बहुत खांसी हो रही थी। तो हम समझ गए थे आज हमारी रात जाने वाली है, हमारी रात हो जाएगी ख़राब, इससे पहले कि हमारी रात ख़राब हो हम इसे सबसे पहले जाके दवाई दिला कर लाएँ। तो हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कामरान है जो मेरे घर के पास में, और बहुत फैमिलियर है हम लोगों से, तो इस वजह से हम जाते हैं उनके पास, आराध्य की दवाई हम उनसे ही। तो गाइस, यहाँ से दवाई लेने के बाद हम लोगों को निकलना है मार्केट, मार्केट मतलब पास की ही मार्केट में जाना है, जिससे कि हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले सकें। तो एक छोटा सा काम पड़ गया था, उसके लिए हम यहाँ रुके और ये अपना काम करने गए थे, तब तक मैंने सोचा लाओ थोड़ी छोटी सी एक वीडियो मैं यहाँ भी बना लेती हूँ। उसके बाद में हम लोग निकल गए अपने पापा के घर, क्योंकि पापा के घर इसलिए गए गाइस, इनकी है मीटिंग और मीटिंग में हमें चाहिए था लैपटॉप, घर पर हम इनका लैपटॉप छोड़ कर आए थे, तो ये बोले जब तक तुम पापा के पास बैठ जाना, इसको दवाइयाँ खिला देना आराध्य को, और मैं तब तक ले लूँगा मीटिंग। तो मीटिंग में निकल गया इनका पौन घंटा, पता भी नहीं चला जो कि, और मीटिंग निपटाने के बाद ही हम लोग को जा सकते थे, मतलब हम मार्केट। तो हम सोचा था इसको आराध्य को साथ लेकर जाएं क्योंकि हवा भी चल रही है, आजकल मौसम ऐसा ही चल रहा है, तो मैंने इसको फटाफट से दवाइयां खिला दी और एक दो टैबलेट गाइस मैंने अपने लिए भी ली, अपने लिए इसलिए ली क्योंकि थोड़ा सा अभी भी मेरे को खांसी के साथ में कफ आ रहा है, तो अपने लिए भी ले लिया, और नाइट में मैं भी जाकर वो दवाई खाने वाली हूँ, रेस्ट करूँगी इसको। दवाइयाँ गाइस 3-4 तरीके की दी हैं, तो वो हर 5 या 10 मिनट के अंतर से ही इसको खिलानी है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जब तक ये मीटिंग ले रहे हैं तब तक मैं इसको धीरे धीरे करके सारी। तो बातें हो गई हमारी गाइस पहनने को लेकर हो गई, ठीक है, और कैसे कैसे करके दिवाली की डेकोरेशन करनी है, तो उस सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने की सारी बातें। ये इसका आप मुझे नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि इसके इसके पीछे मोटिवेशन क्या है। ये मेरे दिल को छू गया है, आप समझ नहीं पा रहे। हाँ, ये सॉन्ग जो है बहुत अच्छा है, आप सुनेंगे तो आप दूसरों को सुना सुना के उनके खानों से खून निकाल देंगे। मैं चाहती हूँ निकले पर निकल नहीं रहा है।
आपने फूल आप बनाई थी? अच्छा तो शरीफ बच्ची मैं सब कुछ बनाती हूँ और खिलाती हूँ और फिर भी ये लोग सब मुझे डांटते रहते हैं। इस घर में मुझे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग मुझे अकेले कहीं पर मिलिए तब मैं आपको बताती हूँ। सब मिलेंगे, आप मिलेंगे सबसे? हाँ मैं मिलूंगी सबसे, ठीक है। लेकिन सबको कोई ना कोई गिफ्ट लेके आना होगा मेरे लिए। आप इतनी सीधी सीधी बन के खड़ी है, सिंपैथी गिफ्ट लाना पड़ेगा हमें बहुत सी। नहीं नहीं आप इतनी सीधी बन के खड़ी है, आप सीधी है इतनी? मैं बहुत सीधी हूँ, मैं इतनी सीधी हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। वो आपके हाथों से पता चल रहा। फिर तुम लोग शुरू हो गए, फिर तुम लोग शुरू हो गए। कभी कभी करती हूँ। अरे अरे नया यार, कर्टन डालेंगे तो बड़ा प्यारा लग रहा है सच में, एकदम लुक ही बदल गया। सीरियसली तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा भी वीडियो। क्या आप सब चाह रहे थे कि मैं व्लॉग में आऊं? ये मेरे घर की लल्ली आ गई। लल्ली भाई चॉकलेट तो कहाँ सीधा कर ली इसने, फ्रिज में से निकाल निकाल के चॉकलेट खाई है। फिर मुझे जलन होती है, तुम लोग इतनी मस्ती कर रहे हो आपस में, मैं चली जाती हूँ। अदा ये मुझसे कह भी रहे थे ना कि तुम्हें मेरी वहां पे याद नहीं आया बिल्कुल, मैंने कहा इस बार बिल्कुल नहीं आई। मैंने कहा हर बार आती थी और मैं रुकती भी नहीं थी, इस बार नहीं आई। क्या याद करके क्या कर रहा है मतलब? नहीं जबकि मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, मैं तुम लोगों को खट लेकिन खास ही नहीं रुक रही है गाइस। अब सब लोग ये जो टॉप मैं पहनी हुई हूँ ना गाइस, अच्छी बातें, ये जो टॉप आप देख रहे हैं अच्छी बातें, ठीक है। बोला ना अच्छी बातें बोलने को। तो ये टॉप मेरी भाभी ने मुझे दिया है, ठीक है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। कौन है वो आपकी पागल भाभी बताओ? ये पागल मुझे पागल नहीं इन सब। मैंने अपने दिवाली का तो गए पापा के घर से जाने के बाद में इनका गोलगप्पे खाने का मन हुआ तो हम लोग गए मीरा के पेट में अजंता के पास, फिर वहाँ से जाके हमने गोलगप्पे खाए। यहाँ के गोलगप्पे का पानी जो है और गोलगप्पे दोनों ही मतलब सब टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ के सोट डलवा के बताशे ज़रूर खा के आती हूँ, सोट के बताशे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ के पानी में जो सोट डाल के ये देते हैं भैया, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फटाफट हम लोगों ने खाए यहाँ के गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद में मुझे जाना है भगवान जी की मूर्ति लेने के लिए और उनके वस्त्र लेने के लिए। तो गाइस बड़ी प्यारी प्यारी मूर्ति और दिए यहाँ पे मिल रहे थे, बट मुझे ज़्यादा नहीं लेना था सामान क्योंकि मैं दिवाली पर अपने घर चली आती हूँ, अपने ससुराल में होती हूँ। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, केवल लक्ष्मी गणेश जी की मैंने ली मूर्ति और दो तीन लिए दिए और फिर मैं यहाँ से चली गई इनके वस्त्र लेने के लिए। तो गाइस मेरे सारे काम हो गए, सारे काम बोले तो खाना भी खा लिया। मैं इन लोगों को गाइस मिल्क गर्म करके दे रही हूँ। तो पूरा घर इधर से उधर बिखर गया है गाइस। गाइस इस बार ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि पापा के घर जाना हो मैं चली गई, मेरे वो 3 से 4 दिन ऐसे चले गए कि जो मैं काम कर सकती थी वो भी नहीं कर पाई। बहुत अच्छे से डस्टिंग वगैरह कल देखती हूँ, जितना टाइम मिलता है उसमें डस्टिंग भी करती हूँ और कल मुझे जाना भी है तो कितना काम हो पाएगा देखते हैं गाइस। तो फाइनल गाइस पूरे दिन से जो 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 मैंने किया वो मैंने आप लोगों को दिखाया, और पूरे दिन तो नहीं मैं बहुत ज़्यादा नाइट में ठीक से मैंने आपको जैसे कि बताया था, तो दिन में मुझे अपने जल्दी जल्दी काम निपटा के लेट गई थी मैं। तो बाद में जब उठने के बाद से जो भी मैंने किया वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और अब मैं गाइस इस ब्लॉग का यहीं करती हूँ दी एंड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए मुझे,
अपना प्यार देते रहिए इसीलिए। ठीक है गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ क्या बोल रहे हो? आखिरी ब्लॉग में मिलेंगे। तो आराधिका, आखिरी ब्लॉग जो होता है वो नेक्स्ट ब्लॉग होता है, बच्चे को अभी बोलना नहीं आता, धीरे धीरे सीख ही रहा है, मेरा 4 साल का ही बच्चा है अभी। ठीक है गाइज, मिलते हैं हम लोग फिर, हम लोग गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।